अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, और मेनली आप ये एनुअल एग्ज़ाम से पहले बच्चों को किस किस्म के प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, और प्रोजेक्ट्स देने के पीछे मकसद क्या है, और हाउ कैन इट ऐड टू द स्किल सेट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो दैट इज़ द टॉपिक अबाउट। ओके, तो ये साल के यू नो एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए आप जो प्रोजेक्ट्स देंगे, यूजुअली तो पूरे साल में आपको प्रोजेक्ट्स देना है, मगर होता ये है कि टीचर्स यूजुअली ऐसे प्रोजेक्ट्स देते हैं कि कोई रिटर्न मैटर को कहीं से देख के लिख के एक दो फोटोज़ या कुछ इमेजेस चिपका दिए या कुछ मैटर। बहरहाल इट इज़ सच सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच इज़ नॉट यू नो टेक्निकली helpful for the student. So when you include projects, keep in mind two things. It has to enhance the skill set of the students. बच्चों के skill set को उभारने वाले projects, उनके research के mindset को जो है उभारने वाले projects, और collaborative work को जो है emphasis देने वाले projects. And similarly, as a teacher, keeping in mind multiple intelligences of child, of the student. तो उनके हिसाब से आप project दोगे तो बेहतर होगा। सपोज़ इफ़ यू फील दैट ये बच्चे जो है इंफॉर्मेशन निकाल के उसको अच्छे तरीके से स्किलफुली प्रेजेंट करते हैं इन्फोग्राफिक्स के ज़रिए से, दे विल डेफिनेटली डू समथिंग। सो यू कैन गिव दैट सेट ऑफ स्टूडेंट्स अ कंपाइलेशन ऑफ यू नो सम रिसर्च बेस्ड वर्क, लाइक दे हैव टू कलेक्ट डू अ सर्वे, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड यू नो प्रेजेंट दैट इन्फॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। दूसरों को आप कोई एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस के किस्म के प्रोजेक्ट्स देंगे जहाँ बच्चे खुद से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे ग्रुप के सामने, एंड वॉट इज द रिजल्ट, दे विल ट्राई टू राइट देयर ऑब्जर्वेशन एंड सबमिट। एंड इन दिस वे यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन डिफरेंट इंटेलिजेंसेस एंड गिव देम एज अ प्रोजेक्ट वर्क। ओके, सो इन इंग्लिश इन लैंग्वेजेस यू कैन एक्चुअली एम्फसाइज ऑन देयर यू नो डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स। दे रीड समथिंग, दे इंटरप्रिट समथिंग, एंड इसमें क्या है इंटरप्रिटिंग डिफरेंट जॉनरा। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टोरीज है, स्टोरीज पढ़ के उनका रिफ्लेक्शन क्या है, बुक का रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है। ओके, इस तरीके से आर्टिकल का रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है। तो इस तरीके से उनको कोई बुक्स या कोई आर्टिकल्स असाइन करके उनको बोलना कि इसका जो है रिव्यू लिखिए। इट हैपन्स इन क्लास 10th एक्चुअली, बट वेर ऑन फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड यू कैन गेट स्टार्टेड विद सच प्रोजेक्ट्स। एट द सेम टाइम इवन फॉर प्राइमरी क्लासेस एज वेल, और यहाँ पे प्रोजेक्ट को सबमिट करने का एक तरीका होता है। सो टीचर्स नीड टू एक्सप्लेन दैट टू द स्टूडेंट्स व्हेन यू आर सबमिटिंग अ प्रोजेक्ट। यू हैव टू हैव अ क्लियर कट अबाउट द टाइटल एंड द डिटेल्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व एंड वॉट इज द ओवरऑल समरी, एंड देन यू कैन एक्चुअली टेल देम टू कंपाइल द प्रोजेक्ट। इससे क्या होता, उनके हायर एजुकेशन में जब वो लोग जाएंगे तो उनको एक आइडिया रहता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसे कहते हैं और प्रोजेक्ट्स होते कैसे हैं। ओके, सो कीप दिस एस्पेक्ट इन व्यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड शेयर एवरीवन हु इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जज़ाकअल्लाह खैर। साइनिंग ऑफ आयशा फिरदौस।